नमस्ते दोस्तों, अप्रैल मंथ के हम सारे करंट अफेयर्स सेक्वेंस वाइज में कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज जो इस मंथ में अपॉइंटमेंट हुए हैं वो स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले ONGC के जो डायरेक्टर हैं वो सुभाष कुमार को बनाया गया है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन मुखमी देश भाटिया, चेयरमैन ऑफ एंड MD जम्मू कश्मीर बैंक RK चिब्बर। ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर एडिशन डायरेक्टर उर्जित पटेल को बनाया गया है और मल्लिका श्रीनिवासन जी को पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड को बनाया गया चेयरपर्सन। इसी तरह लेबर मिनिस्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी के देखने के लिए के डिपार्टमेंट है उस जो कमेटी है उसमें इन तीनों को बनाया गया है, जो नाम देख सकते हैं शमी मूर्ति एलनागोवन और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड हेगर। शायद ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो हमारे एग्ज़ाम के लिए, बट जस्ट सारे बता रहा हूँ। उसमें से मिनिमम 60% to 70% तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही, 30% जो नहीं रहेगा तो वो हम लोग फिल्टर कर लेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन आदिल जी को बनाया और एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंश्योरेंस विराट कोहली। L&T के टेक्नोलॉजी सर्विस के MD अमित चड्ढा। फाइनेंस सेक्रेटरी के रेवेन्यू तरुण बजाज। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग मार्क करेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो जतिन नाथ स्वाइन को बनाए हैं और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज अली राजा रिजवी। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उसके एम्पावरमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसका सेक्रेटरी अंजलि भावड़ा। BCCI एंटी करप्शन चीफ साविर खंडवाला। प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है हमारे लिए। फिर भी आप देखना चाहें तो सब नाम आप देख सकते हैं। और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है, उसमें चिंतन वैष्णव इनको बनाया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजर देख सकते हैं। वीवो कम्युनिकेशन के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, इसका CMD, ये इम्पॉर्टेंट है। SRAMANAN पूनम गुप्ता हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ अपर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के DG हैं। पंजाब के एंटी कोरोना वायरस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। अभी नाडा के जो हमारे DG बने हैं सिद्धार्थ लोकजम, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा को अभी हाल में ही बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट एक्सचेंज, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और पृथ्वी शॉ हमारे नए प्लेयर है। प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। एलिस्टा के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। पुनीत दास जो है हमारे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया और साउथ एशिया रीजन के। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ चाइनीज होम अपलैंड चाइंट मीडिया ग्रुप के जेरमी चॉय को बनाया गया है। और इस तरह DCB बैंक के MD मुरली नटराजन। क्यूबा के प्रेसिडेंट देख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर ऑफ देवदत्त पड्डिकल। और जो CAG हैं वो उसके आपने देखा, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ केमिकल जो CAG है GC मुर्मू को बनाया गया है। और रेखा मेनन को NASSCOM का फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन बनाया गया है। और SEBI के जो कॉमोडिटी इंडेक्स होते हैं इसके MD अरुण रास्ते। कॉमोडिटी इंडेक्स अगर आप देखें जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग वो सब होता है। और रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड वो अजय सेठ हैं बनाए गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड जो है इसके रविंदर जडेजा हैं। फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ BRO, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, वैशाली हिवा से। और ये फाइनली हमारा जो लास्ट के कुछ बचे हैं, CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अमित बनर्जी। रियल इस्टेट स्ट्रैटी का जो हेड होंगे IIFL एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अमर मीरानी। फाइनेंस सेक्रेटरी जो TV सोमानाथन रहेंगे। और MD एंड CEO एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी। जस्टिस विमला सिंह हेड ऑफ
जज ऑफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो इस तरह से जो हमारे अप्रैल मंथ के अपॉइंटमेंट है कंप्लीट हुए। इसी सीरीज़ में हम लोग लास्ट 2-3 मंथ्स के बनाएंगे और बाद में हम कंपाइल करेंगे क्वार्टरली और हमारे इस तक क्वार्टरली और एनुअल जो भी हमारे एनुअल करंट अफेयर्स रहेगा वो हम बनाएंगे। आशा ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको PDF भी फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।